हेलो गाइस, आई एम तमन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में विंटर्स की एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, उसका नाम है ग्रीन पी, यानी हरी मटर। हरी मटर जिस तरह से हम लोग फ्राई करते हैं, उससे कुछ अलग मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये दो इन्ग्रीडियंट्स हैं जो सीक्रेट हैं, इनके साथ में मैं अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रीन पी के लिए सबसे पहले हमें लेना है ग्रीन पी, ये मैंने लिया है हरी मटर, और इसके अंदर जाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये लिया है मैंने अनियन, इसे आपको बस रफली कट करना है, ऐसे होना चाहिए, ना बहुत बारीक हो ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हो, बस मीडियम। ये मैंने लिया है वाइट सॉल्ट, सफ़ेद नमक, रेड चिली, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक एंड ग्रीन चिली। ये मैंने 1 ग्रीन चिली ली थी, जो बारीक वाली आती है, पतली वाली ग्रीन चिली, वो ली है मैंने। इन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और ये लूँगी मैं थोड़ा सा ज़ीरा, मैंने लिया है, और ये ले रही हूँ मैं हींग। एक पैन आपको लेना है, मैंने कुकर लिया है, कुकर को मैंने हीट कर लिया है, अभी उसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ। मैंने कुकर ले लिया, इसे अच्छे से वॉश करके हीट कर लिया है, और अभी मैं इसमें थोड़ा ऑयल डाल देती हूँ। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस ऑयल मैंने डाल दिया, इसे हीट कर लेती हूँ। हमारा हीट चुका है, फ्लेम को स्लो कर देना है, और स्लो फ्लेम पे ही ये डाल रही हूँ हींग। थोड़ी सी 1 पिंच हींग डालनी है। ये ले रही हूँ मैं जीरा, और ये जीरे को भी इसमें ऐड कर देती हूँ। जीरा हमारा थोड़ा हो गया है, अभी इस अनियन को भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जब हमारी अनियन गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तब मैं इसमें ग्रीन पी डालूंगी। अनियन हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अभी मैं इसमें जो भी मैंने ये लिया था, ग्रीन चिली, ब्लैक सॉल्ट, रेड चिली, वाइट सॉल्ट, इन सभी को इसमें ऐड कर देती हूँ। और जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, उसे भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है हमारा ग्रीन चिली और गार्लिक का ये पेस्ट। इसे मैंने स्मूथ पेस्ट बना के रख लिया है, और इसे भी ऐड कर रही हूँ। और जो हमारा नेक्स्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, वो मैं आपके साथ में लास्ट में शेयर करूंगी, बिकॉज गाइज वो लास्ट में ही ऐड किया जाता है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं ये अपने ग्रीन पी को भी इसमें ऐड कर देती हूँ। सारे ग्रीन पी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, अभी मैं इसमें थोड़ा सा वाटर डालती हूँ। ये मैंने 1 कप से थोड़ा कम वाटर लिया है, और इसे भी इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करके इस पर लिड लगा के 2 विसिल लेनी है।
गाइस आज का वेदर बहुत अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग से रेनिंग आज स्टार्ट है और बहुत ज़्यादा आज ठंड है। इस ठंडी के मौसम में जब आप ये टेस्टी टेस्टी ग्रीन टी का टेस्ट लेते हुए खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगी। आइए आपको दिखाती हूँ आज का वेदर। प्रेशर हमारा रिलीज हो चुका है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। हमारे ग्रीन टी बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं, अभी मैं इन्हें आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से ये टेंडर भी हो गए हैं, एकदम अच्छे से टेंडर हो चुके हैं ग्रीन टी हमारे। जो हमारा लास्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। और गाइस वो है चाट मसाला। चाट मसाला डालने से, और जो मैंने एक इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाया था ग्रीन चिली एंड गार्लिक का पेस्ट, हरी मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट मैंने इसमें डाला है वो, और ये चाट मसाला, ये दोनों चीज़ इसमें ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। फाइनली मैं यही कहूँगी आपसे कि एक बार आप ख़ुद ट्राई करिए, और ट्राई करके जब आप इसका टेस्ट खुद लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना टेस्टी इस तरह से बनता है। अगर रेसिपी हमारी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ मैं। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी कोरिएंडर भी ऐड कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। ये ऑलरेडी ही ग्रीन है तो कोरिएंडर भी ग्रीन होती है तो इसमें ज़रूरत नहीं, बट अगर आप चाहें, ये ऑप्शनल है, तो आप इसे थोड़ी सी कोरिएंडर से डेकोरेट कर सकते हैं इसको। सो गाइज हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, आप विंटर्स में इसका मज़ा लेते हुए खा सकते हैं। देखिए कैसे रेनिंग भी स्टार्ट है, आप इसको लीजिए और खाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में शेयर करिएगा। ओके, नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगी। बाय।